नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कोचिंग सीहोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करेंगे। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि यदि दो समान किंतु विपरीत, पहले हिंदी में बात करेंगे हम, दो समान किंतु विपरीत आवेश यदि एक अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसे निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर दोस्तों? ठीक है, क्या बोलेंगे? इफ देयर आर टू इक्वल बट अपोजिट पॉइंट चार्ज एट अ स्मॉल सेपरेशन, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर दोस्तों? मैंने क्या किया है, माइनस क्यू चार्ज लिया और प्लस क्यू चार्ज लिया और माइनस क्यू चार्ज लिया। क्लियर दोस्तों? ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। क्लियर? ओ इसका मिड पॉइंट है, ए से लेके ओ तक की दूरी को मैंने एल माना है, बी से लेके ओ तक की दूरी को मैंने एल माना है, और टोटल दूरी जो होती है वो होती है 2L। क्लियर दोस्तों? क्लियर? ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूमेंट। अब क्या आया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूमेंट। क्या करना है अब इसमें? क्या होता है मूमेंट? तो हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूमेंट में, कि कोई भी एक आवेश, कोई भी एक आवेश और दोनों आवेश के बीच की दूरी का मल्टीपल, ठीक है, दोनों आवेश के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? द मैग्नीट्यूड, क्या बोलते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल मूमेंट, इज डिनोटेड बाय पी। क्लियर दोस्तों? क्या होता है? पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल। ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पर, क्योंकि हम न्यूमेरिकल करेंगे। पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल। पहले तो आप क्या करें दोस्तों, कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, इसके बाद हम वापस से बात करेंगे। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो गई? Q। Q क्या है यहां पर? चार्ज, आवेश। ठीक है, आवेश को हम आवेश का ऐसा ही पद्धति में मात्रक क्या होता है? कूलम्ब इंटू मीटर। क्लियर दोस्तों? और 2L क्या है यहां पर? अल्प दूरी। 2L क्या है यहां पर? अल्प दूरी। ठीक है, उस डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं? मीटर, कूलम्ब इंटू मीटर। ठीक है, यह एक सदिश राशि होता है, इट इज वेक्टर फील्ड क्वांटिटी। क्लियर दोस्तों? इट्स एसआई यूनिट इज कूलम्ब इंटू मीटर, इट्स CGS यूनिट इज स्टेट कूलम इंटू मीटर। क्लियर दोस्तों? अब एक चीज और छूट गई है इसमें। क्या छूटी हुई है? डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? क्या होगा? क्या होता है? P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल होता है। ठीक है, तब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q के लिए क्या लेते हैं हम दोस्तों? सब बहुत बढ़िया, At। आवेश का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? At। ठीक है, और ये क्या है आपकी डिस्टेंस, ये हो जाएगा L। अगर इसको मैं अच्छे से लिखूं तो क्या बोलूंगा? M0 T L, या फिर मैं क्या कह दूं? M L T A। क्लियर? ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है। अब दोस्तों इस पर हम कुछ, आइए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और देखेंगे कि ये फॉर्मूला कहां पर और किस तरीके से अप्लाई होता है। देखिए दोस्तों, अब हम एक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है,
इन अ हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ डिस्टेंस 0.5 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम। हमें अच्छे से पता है कि प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, प्लस 1.6 इंटू 10^-19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, उतना ही चार्ज होता है, माइनस 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। केवल डायरेक्शंस अलग होती है। पिछले वीडियोस में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। जिन लोगों ने भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, छोटे छोटे वीडियोस इसीलिए बनाते हैं ताकि आप लोग उनको जल्दी जल्दी एक एक टॉपिक छोटे छोटे वीडियोस में कवर कर सकें। जिन्होंने भी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, वो पिछले वीडियोस आप देखते रहें, ठीक है दोस्तों, देखें। क्लियर। एंगस्ट्राम क्या होता है? एंगस्ट्राम दूरियों का मात्रक होता है, डिस्टेंस का, ठीक है। और एक एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है? बोले सर 10^-10 मीटर। क्लियर। हिंदी वालों को हिंदी में पढ़ लें, आप क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 0.5 एंगस्ट्रॉम दूरी पर हैं, परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आपको सभी को पता है द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। क्लियर। अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास, है ना, गिवन क्या क्या है, गिवन है बोले सर यहां पर हमें जो चाहिए वो सभी गिवन है। क्यू, क्यू की जगह पर हम क्या रखेंगे, क्यू की जगह पर हम फंडामेंटल चार्ज, न्यूनतम चार्ज रखते हैं, केवल इनका मैग्नीट्यूड ही हम रखते हैं, ध्यान रहे हमेशा, 10^-19 कूलम, ठीक है। और 2L इज इक्वल टू क्या है अपना, 5 एंगस्ट्रॉम। अब देखे दोस्तों एंगस्ट्रॉम को मैं चेंज करता हूं 5 इंटू 10^-10 मीटर। क्लियर दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, है ना, P इज इक्वल टू, Q क्या है हमारा, बोले सर Q है 1.6 इंटू 10^-19, ठीक है। 2L की वैल्यू क्या है, अल्प दूरी क्या है, बोले सर 2L आपकी है 5 इंटू 10^-10 मीटर। क्लियर, ठीक है। इसको सोल्व आउट करेंगे दोस्तों, P इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से पॉइंट हटाऊंगा दोस्तों, देखना, 16 इंटू 10^-19 अपॉन में एक पॉइंट हटाओगे एक जीरो आ जाएगी, है ना, अपन डायरेक्ट भी कर सकते लेकिन मैं एक एक पॉइंट आपको करके बता रहा हूं, ठीक है। फिर यहां पर आप लिख दिए 5 इंटू 10^-10। क्लियर। अब यहां से हम इस 10 पे पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस की पावर हो जाएगी, क्या हो जाएगा आपके पास, 16 इंटू ये 10^-19 है, 10^-10 है, और एक 10^1 ऊपर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 5 ऐसा कैसे ही 10^-30। क्लियर दोस्तों, है ना, 16 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होता है, बोले सर 80 होता है, इंटू 10^-30। क्लियर दोस्तों। अब यहां पर हम इसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं, बोले सर इसको हम लिख सकते हैं 8.0, और 8.0 का मतलब क्या होता है, पॉइंट ही होता है, मैं एक अंक के बाद में, वन डिजिट के बाद में पॉइंट लगाता हूं, इंटू 10^ यहां पर क्या हो जाएगा, -29। क्लियर। और इसका यूनिट क्या होता है, बोले सर कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। क्लियर है मेरे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर वैसे भी देखें, हम ऐसे भी कर सकते थे इसको, देखो 80 को मैं क्या लिख सकता था, 8 इंटू 10 80 हो जाता, इसकी पावर 1 हो जाती, इधर 10^-30 है, 10^-30 में से 10^1 जाता तो यही तो बचता। क्लियर दोस्तों, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अपने तरीके होते हैं, अपने फंडे होते हैं। क्लियर, जो हमारा माइंड, जैसा हमारा माइंड चले इस तरीके से हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, यहीं पर हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जो चीजें हैं वो केवल डेफिनेशन के हिसाब से और उसके फॉर्मूले के हिसाब से खत्म होती है। इसके बाद में हम
इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और भी डिस्कशन करेंगे आने वाली क्लास में। इसलिए दोस्तों पिछले जो वीडियोज है सारे देखते रहिए ताकि आप लोगों की कंटिन्यूटी ना टूटे। थैंक यू सो मच।